नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। इस इंसान को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, जबकि बिलियनियर्स तो और भी हैं। यह इंसान न सिर्फ एक इनोवेटर और बिजनेसमैन है, बल्कि एलन मस्क का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही BBC ने मोदी जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कई तरह के प्रोपेगेंडा और परसेप्शन के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसको इंडिया में बैन भी कर दिया गया था। उस टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बोला था कि वेस्टर्न मीडिया को कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि वो अभी भी दुनिया पर राज कर रहे हैं और वो बताएंगे कि दुनिया को कैसी चलनी चाहिए, दुनिया को कैसी दिखनी चाहिए, दुनिया में कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उस टाइम BBC ने बोला कि वो एक फ्री मीडिया है और उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब एलन मस्क ने BBC का इसी बात पर मजा ले लिया है। आपको पता होगा कि ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने ब्लू टिक को कमर्शियलाइज कर दिया था। अब इंडिविजुअल लोगों को ब्लू टिक मिलता है, जिसके लिए उनको $8 से $10 पेमेंट करने पड़ते हैं। और ब्लू टिक के अलावा दो और प्रकार के टिक आ गए हैं, ग्रे टिक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए होती है, और एक होती है गोल्ड टिक। गोल्ड टिक होती है कमर्शियल कंपनियों के लिए, संस्थाओं के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो बीबीसी को भी गोल्ड टिक मिला है, लेकिन यहाँ पर ट्विटर ने एक खेल कर दिया। ट्विटर ने BBC के लेबल के आगे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया लिख दिया, जिसके बाद से लोग BBC के मजे ले रहे हैं। और इसके बाद BBC भड़का हुआ है और वो ट्विटर पर अपना प्रोटेस्ट जता रहा है। वो ट्विटर के खिलाफ आवाज भी उठाया है और बोला है कि उसको गवर्नमेंट फंडेड मीडिया नहीं बोला जाए, क्योंकि वो लाइसेंस फीस देकर ही गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है मीडिया चलाने के लिए, उसको पैसे ब्रिटिश पब्लिक से मिलती है। अब इस पर भी लोग मजे ले रहे हैं। एलन मस्क ने एक यूजर्स को रिप्लाई करते हुए लिखा कि ये BBC का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। लोग एलन मस्क के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं। BBC का फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। वैसे ट्विटर ने बोला है कि इसको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन एलन मस्क ने और ट्विटर ने BBC के मजे तो ले ही लिए और पब्लिक ने भी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।